बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जो हिंसक वारदातें की जा रही है, आंदोलन तो युवाओं का था, आंदोलन को स्वरूप जो दिया गया है जिहादियों के द्वारा, वो स्वरूप हमको जो दिख रहा है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वहाँ अल्पसंख्यक, वहाँ जो हिंदू है उनकी हत्या की जा रही है, माता बहनों का शील भंग किया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। मतलब जब 1947 में बांग्लादेश में, पूर्वी पाकिस्तान में, जो पूर्वी पाकिस्तान था वहाँ पर 28% हिंदू थे, 71 में जो 17 रह गए, आज जो मात्र 7% है उनको भी असगर रूपी जिहादी निगलकर समाप्त करने की ओर है। तो हमने प्रधानमंत्री जी के नाम पर ये ज्ञापन दिया यहाँ पर कि बांग्लादेश में जिन हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए हैं उन्हें तत्काल वहाँ उन अत्याचारों को रोका जाना चाहिए और बातचीत के साथ साथ अपनी शक्ति के द्वारा भी उन अत्याचारों को रोका जाना चाहिए। दूसरा, वहाँ से जो हिंदू पलायन करके मार खाकर बचकर अपनी जान बचाकर सीमाओं पर आ रहा है, उन हिंदुओं को सीमा से भारत में उन शरणार्थियों को शरण देना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए। और इसके अलावा जिस प्रकार की पश्चिमी पाकिस्तान का जब 1971 के पूर्व काफ़ी वहाँ पर एक आतंक था, उन्होंने नरसंहार किया बांग्लादेश में, पूर्वी पाकिस्तान में, और एक उस समय मुक्ति वाहिनी का गठन हुआ था और मुक्ति वाहिनी के गठन को अत्याचारों के खिलाफ जो खड़ी हुई थी इंदिरा गांधी ने समर्थन दिया और उसे पूर्वी पाकिस्तान से उसे बांग्लादेश बनाया गया। उसी प्रकार जब वहाँ पर हिंदुओं के अत्याचार हो रहे हैं तो हमारी सेना को भी तत्काल प्रभाव में आना चाहिए और एक ऐसा जो वहाँ पर एक जो कॉरिडोर है वहाँ पर या तो एक हिंदुओं का देश बनाना चाहिए, उनकी सुरक्षा की जाना चाहिए, या तो उन्हें वापस भारत में लाकर शरण दिया जाना चाहिए। हिंदुओं को वहाँ बचाने वाला अभी कोई नहीं है, टूटते मंदिर बचाने वाला कोई नहीं है, बच्चों को बचाने वाला कोई नहीं है, माता बहनों के शील भंग को बचाने, बलात्कार हो रहे हैं उसको बचाने वाला वहाँ कोई नहीं है। ये सब देखते हुए मेरा पूरे देश के, पूरे विश्व के हिंदू समाज से आह्वान है कि इन अत्याचारों के खिलाफ वो ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाए और आवाज़ उठा के सरकार को मजबूर करे कि सरकार उन हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ऐसी ठोस कार्रवाई करे कि उस कार्रवाई के बाद वहाँ किसी की हिम्मत नहीं हो कि हिंदू माता बहनें और बच्चों पर कोई हाथ उठाए। इसके लिए हमने यहाँ पर आज ये ज्ञापन दिया, विरोध प्रकट किया। ये मातृशक्ति महादेवगढ़ की जो थी उनका भी यही मतलब था कि सबसे ज़्यादा अत्याचार युवाओं के अलावा मातृशक्ति माता बहनों के शील भंग के साथ भी किया जा रहा है, इसलिए ये ध्यान आकर्षण के लिए यहाँ से हमने आवाज़ उठाई है।